नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 94,000 पदों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 जुलाई से 12 जुलाई तक आयोजित करवाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 17,000 शिक्षकों का चयन हुआ है। हालांकि इन सबके बीच हाल ही में बिहार शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर धांधली की खबर सामने आई थी। काउंसलिंग के दौरान ही अलग अलग जिलों में लगातार गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही थी, जिसके तहत ही लगभग 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। वहीं इसी बीच बिहार के प्राइमरी स्कूल के लिए प्रथम चरण के काउंसलिंग में नियोजन इकाईवार चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची अधिकांश जिलों के NIC पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसके बाद अगर इस सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ी गई तो दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिक्षकों के पास 20 जुलाई तक का ही मौका था, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री खुद ही व्यक्तिगत रूप से इसकी समीक्षा करने वाले हैं। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, कोटि, मेधा अंक, विषय और क्षैतिज आरक्षण दर्शाना अनिवार्य था। क्लास 1 से 5 और छठी से लेकर 8वीं के लिए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ था। काउंसलिंग का प्रथम चरण 5 से 12 जुलाई तक पूरा हो चुका है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची और आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर सूची तैयार कर दी गई है। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर चौतरफा घिरी बिहार सरकार इस बार कोई भी ऐसी भूल नहीं करना चाह रही है, जिससे विपक्ष को एक और मौका मिले, साथ ही छात्रों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ हो। यही कारण है कि इस बार शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियोजन इकाई के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करने की योजना है। हालांकि इससे पहले कई नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद ही नए सिरे से मेधा सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। अगले महीने इन इकाइयों की काउंसलिंग की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में छठे चरण के नियोजन के तहत सेकेंडरी एवं प्लस टू शिक्षकों के 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर दिया है। नियोजन संबंधित गतिविधियां 8 जुलाई से औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी से आरंभ हो जाएंगी। 31 जुलाई को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, 12 अगस्त को मेधा सूची सार्वजनिक की जाएगी और 13 अगस्त को अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की विद्यालयवार और विषयवार सूची NIC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।